Hi guys, you are on Ismail IS YouTube channel. Our tagline is Veer Bhoge Vasundhara. So today we are going to start a ratio and proportion. Okay. इसमें हम दो लेक्चर करवाएंगे. दे पहला लेक्चर है. ओके. इसमें हम दो लेक्चर कराएंगे जिससे आपका मोस्ट प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा. ओके. सो दिस इज द क्वेश्चन. Here a b a plus b plus c equal 600. And it is here you can see ratio. It is given a ratio, b ratio, c, 1, 2, 3. Okay. So what is the question? Find the value of a b c. क्या value होगा? Okay. So हम क्या करेंगे यहाँ पे? A थ्री. ओके. सो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे. वन थ्री एंड वन एंड टू, थ्री थ्री सिक्स. टोटल ए बी सी इक्वल 6 हो गया. ओके. अब ये यहाँ पे हो गया तो 6 इक्वल 600. सो 1 इक्वल 100. So a is 1 here. So a equal 100 into 1 equal 100. B equal 200 into 2 equal 200. C equal 100 into 3 equal 300. Okay, this is the most basic question. Okay, generally as in exams. Okay, first question and this is the second question. Okay, so second question is a b c. ये पूछा है, ये a and b दिया हुआ है. ठीक है. So a ratio b equal to ratio 5. ओके. बी रेशियो सी इक्वल कितना दिया हुआ है, 8 रेशियो 9. ओके. सो हम इसको कैसे करेंगे, इसको तो हम एक डायरेक्ट तरीके से कर सकते हैं या एक इसको हम ऐसे कर सकते हैं. आप जैसे देख रहे हो तो यहाँ पे एक खाली है इधर, तो इधर हम इसको 5 कर देंगे. इधर भी खाली है तो इस 8 वाले को हम यहाँ रख देंगे. सो ये कितना आ जाएगा, अब इसको कह रहे हैं मल्टीप्लाई कर देंगे. 8 2 16 एंड 5 8 40, 5 9 45. सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए बी सी. ओके, दिस इज द आंसर. Or we can solve in this way. Okay, a, these are the same. Okay, just way is different. Okay, here b c. Okay, so 2 ratio 5 and 8 ratio 9. Okay, what is the answer here, a ratio b ratio c ratio. Okay, so इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाईंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे. सो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा. ये 5 to 8 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा. एंड 5 9 जा कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा. ओके, इसमें लिखना नहीं पड़ा इतना, ये डायरेक्टली जैसे आप इसमें कई बार सॉल्व करोगे तो आपको ये सब लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये आप डायरेक्टली आप आंसर लिखोगे. ओके. सो ऐसे आप आंसर इसका लिख सकते हो, 60 40 45. ओके. सो इसमें क्या दिया है, ए बी का रेशियो दिया हुआ है,
बी सी का रेशियो दिया हुआ है एंड सी डी का दिया है, पूछ रहा है क्या होगा ए बी सी डी। ओके, इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे हम पिछला वाला किए वैसे भी कर सकते हैं और एक हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो पहले हम आपको आसान वाला बता देते हैं, दोनों ही आसान है, ए बी इक्वल वन रेशियो टू, बी सी इक्वल थ्री रेशियो फोर, सी डी इक्वल थ्री रेशियो सिक्स। ओके, सो दिस इज द रेशियो। सो हम इसको कैसे कर सकते हैं, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो। ओके, इसमें क्या करना है हमें, पहले एक ऐसे कर लेना है, मीन्स ए बी सी, तो हम क्या कर लिख लेते हैं पहले ए बी सी, ये जो लिखा है इसके स्थान पे जो भी नंबर है, ओके ये वाला 1 3 3 तो वही लिखेंगे। ओके, दूसरा हम करेंगे यहाँ से बी ले लेंगे, इसमें क्या क्या आ रहा है, बी बी सी बी बी सी, बी क्या है, बी है टू है एंड दूसरा बी क्या है थ्री है एंड सी क्या है थ्री है। ओके, थर्ड थर्ड करेंगे। ओके, सो इसमें क्या क्या आ जाएगा, बी सी सी बी सी सी एंड फोर्थ क्या है, ये वाला आ जाएगा बी सी डी। ओके, बी सी डी, ये आपको डायरेक्टली पता रहेगा, तो इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको वैल्यू लिखोगे। सो अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ये क्या चीज आ गया, यही है। इसको ए बी सी, ओके थ्री थ्री जा 9 1। ओके, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो थ्री थ्री जा 9 into 1 तो 9 ही आएगा, बी बी सी, सो ए बी 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 सी। ओके, सो 2 3 3 9 9 2 18, सो यहाँ पे हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा बी सी सी हो जाएगा, सो 4 2 8 8 3 24, 4 क्या हो जाएगा, ये सीधे हो जाएगा, तो 4 2 8 8 6 48, सो दिस इज द आंसर। ये क्या आंसर, किसका आंसर आ गया, ए बी सी डी। ओके, सो यही आंसर आ गया, इसको हम जैसे पिछले वाले में किए थे, हम वैसे भी आपको करके एक बार दिखा देते हैं। ओके, सो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ हमें क्या करना है, पहले वैसे ही सेम फॉर्म में लिखना है, ए ए रेशियो ए रेशियो। ओके, सो तो यहाँ हम क्या करेंगे, ए ए रेशियो बी और क्या है, बी रेशियो सी और सी रेशियो डी है। ओके, सो हम इसको क्या करेंगे, उसी सेम फॉर्म में लिख लेंगे यहाँ पे भी, सो 1 रेशियो 2 3 रेशियो 4 एंड 3 रेशियो 6। ओके, सो हमें क्या करना है, जैसे अभी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, यहाँ पे भी 2 कर देंगे। ओके, और यहाँ पे खाली है तो इसके आगे 3, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 कर देंगे, और यहाँ पे 3 है तो इसको भी 3 कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, सो जो ऑप्शन आएगा ए रेशियो ए बी सी डी। ओके, सो यहाँ क्या आएगा, 3 3 जा 9,
एंड 3 3 9, 2 18 एंड 4 3 12, 12 2 24, 6 4 24, 24 2 48। आप देखो ये सेम आंसर आया। ओके, सो आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है कौन सा आपको इजी लग रहा है। ओके, जैसे इन दोनों पे आप प्रैक्टिस एक बार कर लोगे, ऊपर वाला प्रैक्टिस कर लोगे तो आप जल्दी ही कर पाओगे, कुछ लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। सो आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, ऐसे ही सारे आपको निकालने हैं। ये अभी बेसिक है, जनरली ये रेशियो प्रोपोर्शन जो है हर स्थान पे यूज होता है। ओके, इसमें पूछा है ए बी सी डी ई क्या होगा। ओके, ए रेशियो बी रेशियो सी, सी रेशियो डी रेशियो ई रेशियो। ओके, तो यहाँ पे क्या है, 3 रेशियो 2 1 एंड हियर 4 5 6। ओके, सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी हमने इसके सामने 4 रख देंगे, ये 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया, और इसके सामने क्या करेंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे, यहाँ पे भी 1 रख देंगे। ओके, जो लास्ट नंबर होता है उसी को हम कंटिन्यू, अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी सी डी ई। ओके, से 4 3 12, 2 4 8, 4 1 4, 5 1 5, 6 1 6। सो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ओके, ऐसे ही सारे प्रॉब्लमों को करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आई होप यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जनरली। ओके, थैंक यू।